सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईपीएल ब्लॉग। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि जब क्वालिफायर स्टार्ट होंगे तो तब से मैं फाइनल तक को एक एक ब्लॉग बनाऊंगा। अगर सीएसके प्लेऑफ्स में गई, और यू नो द थिंग, सीएसके प्लेऑफ्स में गई। भाई यहाँ पर हो चुकी है फाइनल जाने की तैयारी शुरू। यहाँ पर हमारे धोनी भाई साहब और हमारे पांड्या भाई साहब जो है टॉस उछालने के लिए एकदम ही रेडी हैं। मजा आने वाला है गाइस। यहाँ से शुरुआत होती है सीएसके की सबसे मुश्किल वाली जर्नी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सीएसके ही जीते हमेशा। तो तुम्हें इतना तो पता चल चुका होगा कि मैं तो धोनी का मतलब सीएसके धोनी हाँ, एक ही चीज तो है, तो मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मैंने धोनी के लिए या फिर सीएसके के लिए क्रिकेट समझा था, क्रिकेट में इंटरेस्ट लाया था जब मेरे पापा टीवी पे न्यूज चलाते थे या फिर क्रिकेट का मैच चलाते थे, चाहे वो T20 हो, इंडिया का मैच हो, किसी का भी मैच हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को क्रिकेट पसंद ही नहीं आता था। कार्टून लगाओ भाई, कार्टून शिनचैन, ओए डोरेमोन की तरह। लेकिन एक बार की बात है, मेरे को डेट जब मैंने सीएसके को खेलते हुए देखा, चौके छक्के मारे जा रहे, ओए होए होए होए, क्या मजा आ गया भाई, ब्रावो धोनी, तो मैं हो गया पागल। और मेरे पापा को मिल गया पार्टनर, नहीं मम्मी को इन सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि क्वालिफायर वन से मैं रिएक्शन ब्लॉग बनाना शुरू कर दूंगा। तो ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, तुम बस देखना शुरू कर दो। सो इट्स क्वालिफायर वन, सीएसके वर्सेस जीटी। चमचमाती हुई ट्रॉफी हमारे चेन्नई के पास ही आनी चाहिए। धोनी भाई दिखा दो, दम दिखा दो भाई। और यहाँ पर उछाल दिया है भैया ने, और टॉस गिरा जो है किसके पक्ष में गिरा, कौन जीता, अरे होए टॉस तुम जीते पर मैच हम लेके जाएंगे। एक मस्त सी चीज दिखाता हूँ तुम्हें, जो क्वालिफायर हो रहा है उसका जो थंबनेल है देखो, कि ये क्या सिंबल है भैया, धोना चाहते हो क्या? इनको देख के निकल भी गई होगी। ये पहली बॉल, अरे वाह इतना ज्यादा स्विंग, चलो ठीक है पहला बॉल ही बीट हो गया है। अगर पहला बॉल मिस हो गया या फिर वो लोग टॉस हार गए तो मेरा मन तो शांत कर लेता हूँ, नहीं 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 जीतेंगे, पर एक तो मन के एक साइड में होता है कि यार टॉस हार गई कहीं मैच ना हार जाए, ऐसा एक तो होता है, बहुत सुपरस्टिशियस हूँ मैं। इतनी जल्दी कैसे आउट हो गया मेरा भाई, यार बहुत बढ़िया फॉर्म में यार हमारा गायकवाड़ भैया। मम्मी सीएसके जीतवा की नहीं, कहो सीएसके जीतवा की नहीं, ये मम्मी बोलती है तो जीतता है भाई। देखो एक बार की मैं बात बताता हूँ, जब सीएसके हार रहा होता है तो मैं मम्मी को बोलता हूँ मम्मी जीतेगा कि नहीं, मेरी मम्मी बोलता है हार जाएगा, सच्ची में हार गया भाई। और अगली मैच में मैं बोलता हूँ ऐसा ही सिचुएशन था, हारने वाला था सीएसके, मेरी मम्मी से पूछा मम्मी जीतने वाला है कि नहीं, हाँ आज जीतेगा भाई, सच्ची में जीत गया। मैं कतई बहुत सुपरस्टिशियस हूँ, कतई नहीं हुआ था, और वो नो बॉल था, और नो बॉल पे ये छक्का, अरे हाय 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 हाय, मम्मी ने बोला है जीतेगा तो जीतेगा रे बाबा। तो पहला इनिंग्स यहाँ पर खत्म हो चुका है, और धोनी आके आउट हो गया, जडेजा ने कोशिश की, मोइन अली ने कोशिश की, पर बहुत ही मतलब मैंने सोच रहा था कि 200 रन हो जाएंगे पर 172 पे रह गए हैं ये लोग, देखते हैं चेस कर पाते हैं क्या गुजरात टाइटंस, रोक लेंगे भाई, 150-120 रोके हुए हैं सीएसके ने, ये भी रोक लेंगे आई होप। उस दिन मेरे को सबसे बड़ा वाला डर यही था कि गिल जो ये बंदा है ये ना हरा दे भाई, क्योंकि ये इतना खतरनाक वाला फॉर्म में है कि मतलब पूछो ही मत। अगर फाइनल हो गया ना जीटी और सीएसके तो कुछ लोग तो दोगले निकल जाएंगे भाई गिल के डर से कि भाई हाँ आज जो अच्छा खेला हम उसके नहीं भाई, हम कट्टर फैन है सीएसके के, हारे जीते हमें उसके साथ ही रहना है। पर बहुत ज्यादा सफलता की ओर बढ़ता हुआ हमारा टीम, और यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए देख रहे हैं कि नहीं पापा सीएसके देखो, सुखमन गिल तुम और कहाँ करवा, अब मेरे पापा जीती हुए हैं, थोड़ा सुखमन गिल हो रहे हैं। आपका सुखमन गिल अकेला खड़ा है, क्या कर लेगा बताओ, इधर तो जाडेजा उखाड़ लिया है मिलर का विकेट, वो क्या उखाड़ेगा। और मम्मी आपको कुछ समझ आ रहा है, और यहाँ पे खाते हुए मैं उठ चुका है, और गिल के सपोर्टर, और यहाँ पर गिल जो है आउट हो चुका है गाइस। यस अब मैं शांति से खाएगा, वैसे भी शांति से खा रहा था पर पहले क्वालिफायर्स में मेरे को गिल से जितना डर था, गिल को तो उन्होंने प्लान करके आउट कर दिया। और उसके बाद आए हमारे राशिद भाई साहब, वो बंदे को तो मैं भूल ही गया था, अंडररेटेड हो गया था भाई वो, जैसे ब्लॉगर्स में से मैं अंडररेटेड हो गया भाई, वो आके जो मारने लगा ना मेरा वहीं पे फट गया भाई, सीएसके तो फाइनल नहीं जा पाएगी। पर सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला और बहुत बड़े मार्जिन से जीटी को सीएसके ने हरा दिया, सीएसके। और ये आखिरी बॉल और हम पहुंच गए फाइनल पे। उसके बाद आया एलिमिनेटर्स, वो भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो भी डिसाइड करता कि फाइनल में दूसरी टीम कौन जा रही है, पहला तो सीएसके हो गई थी।
दोस्तों कल का जो मैच था वो हम लोगों ने सिर्फ लैपटॉप पे देखा था, आज हम पूरा स्क्रीनिंग में देखेंगे। आज है MI और LSG का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आज जीत कौन रहा है, उस हिसाब से हमारा फाइनल में CSK के साथ कौन खेलेगा ये डिसाइड होने वाला है। तो उसी तरह हम अभी इधर पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई को साइड में रखो थोड़ी देर के लिए, अभी यहाँ पर कनेक्शन चल रहा है। देखो यहाँ पर लैपटॉप जो है टीवी पे कनेक्ट हो चुका है, टीवी पे हम अभी मैच देखेंगे। हमारे रोनित भाई साहब जो है आज टेक्निकल काम संभाल रहे हैं, हमेशा जो करते हैं। ये एक बात बताओ, IPL में एडवर्टाइज आता है या एडवर्टाइज में IPL, दोनों एक दूसरे की वजह से चल रहे हैं। ये भी है, सिम्बायोसिस है दोस्तों, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, एडवर्टाइज एंड IPL। तो जो एलिमिनेटर हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस ने जीत लिया, उसके बाद GT और MI सेकंड क्वालिफायर। आज का मैच भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि क्वालिफायर सेकंड है, सेकंड क्वालिफायर जहां पर पता चलेगा कि हमारे CSK के साथ कौन खेलने वाला है। जो भी खेलने वाला है, GT का स्थान मेरे को पक्का दिख रहा है, फिर से CSK और GT होने वाला है गाइस। और ये शुभमन गिल भाई क्या अकेला पीट रहा है भाई, वो अकेला आज का फिर से 100 हो जाएगा उसका, 99 पे खेल रहा है बंदा। पूरा टीम अगर 40 बना रही है तो वो 140 बना रहा है भाई। ये एक बंदा डर लग रहा है मेरे को, कहीं फाइनल लेके ना चले जाए। मेरे पापा का फेवरेट खिलाड़ी इस सीजन का है कि नहीं, ये अगर खेल गया अच्छे से हाँ तो फिर इसका कोई और विकल्प नहीं निकलेगा, इसका इंडिया में स्थान। आप कहाँ रहे हो, ये मतलब IPL का ब्लॉग चल रहा है, आपको IPL के बारे में क्या पता है जो इधर आ रहे हो। ये जबरदस्ती कहीं भी घुस जाती है, IPL का बात नहीं है। मेरी मम्मी का ऐसा थोड़ा चलता रहता है, देखो घुस जाती है। हकार देखो, हकार उनका होकर चलता रहेगा। हम फाइनल में मिलते हैं गाइस, आज GT जीतेगा, कौन जीत उधर नहीं करने का कुछ। तो हमारी GT जो है फिर से चली गई फाइनल, तो इट्स द टाइम ऑफ फाइनल, CSK वर्सेस GT अगेन। एक्चुअली अभी फाइनल ही है और मैं फाइनल के दिन ही मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, जबकि मुझे फाइनल के दिन आराम से बैठ के पॉपकॉर्न चबाते हुए मैच देखना चाहिए था, पर क्या करें। रिमझिम पानी परसो थी लारी, रिमझिम खेल लो भाई खेल लो, रुके हुए हैं कब हुए मैच और हम रिएक्शन दे। हसीना को इतना पसीना क्यों, योगा करती वो। मेरी मम्मी जो है वो फिटनेस के प्रति बहुत फ्रीक हो गई है, फिटनेस फ्रीक हो गई है। पापा वो बारिश हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, मैच अबंडन फाइनल मैच कौन, मम्मी बारिश क्यों, आपके शरीर में पसीना और उधर बारिश हो रहा है, ये क्या कोई कॉन्सिडेंट तो नहीं, कितने बरस पर मोर दिया है झाल दूचे, इसीलिए तो बारिश हो रही है आज। वाह 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 वाह, ये क्या कोइंसिडेंस है, मम्मी के शरीर में पसीना और उधर बारिश एक साथ। मम्मी आप जाओ कूलर के अंदर भर्ती हो जाओ, नया कूलर के अंदर भर्ती हो, जल्दी सूखोगे फिर बारिश भी उधर खत्म होगी। आज येलो वाला जीतेगा कि नहीं, येलो जीतेगा। मम्मी वो जो मेरा एक येलो का शर्ट था जो मैं हमेशा पहनता था CSK जीतेगा का बोल के, वो वाला याद है, वो जो आप फेंक दे रहे थे फट गया था, जो मेरे पास एक तो येलो का शर्ट था, जब भी CSK खेलती थी मैं वो पहनता था और सच्ची में वो लकी भी था और वो कि नहीं CSK को जिताता भी था, वो ऐसा मेरा मान्यता है। यार मैं तो टूट गया भाई, मैं तो टूट गया, हो चुका था यार, बस हो ही चुका था मैच, टॉस मतलब ऐसे छाल नहीं बाले थे, फिर से बंद हो गया यार, फिर से बारिश शुरू हो गई। और क्या यार वो 7:30-8 बजे से वो जो मैच होता है पूरा 20 ओवर का, क्या मजा आता है उसमें, क्या फीलिंग थी यार, ये देखूंगा वो देखूंगा, 6 मारेगा चौका मारेगा, पर हो जाए कैसे भी करके थोड़ा सा हो जाए यार। और दोस्तों फाइनली बारिश खत्म नहीं हुई है और ये हमारे पास सारे हाईलाइट दिखाते हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, ड्रीमिंग समाप्त हो चुकी है। समाप्त, मैच हुआ भी नहीं, कब होगा कल होगा क्या पता, खबर मिलेगा फिर ब्लॉक करेंगे। ओके तो यहाँ पर टॉस हो चुका है, मैच होने वाला है, कड़ी तपस्या कड़ी इंतजार के बाद फाइनली गाइस मैच के लिए हम रुके थे, ऐसा नहीं करते ब्रो, उधर साउंड नहीं आना चाहिए। फाइनली मैच जो है होने वाला है, हाँ ठीक है मैच होने वाला है और हम जो है मैच का लुत्फ, द अल्ट्रा प्रो मैक्स सुपर कॉन्शियस अनकॉन्शियस मैक्स प्रो अल्ट्रा, चमत्कार मैच होने वाला है गाइस, GT वर्सेस CSK। यहाँ पर टॉस हो चुका है और हमारा काम बोल जी सुन ही दे, धोनी जीत चुका है गाइस टॉस, और ये फाइनल का पहला बॉल और डॉट बॉल। तो बात ऐसी है कि हमारे CSK ने तो फील्डिंग ली है पहले और हमारे गिल भाई साहब इतने फेमस हो चुके हैं कि अगर कोई दूसरी तीसरी कक्षा का बच्चा अगर कंप्यूटर नामी जंत्र पे अगर अपने समर वैकेशन के प्रोजेक्ट के लिए फिश का गिल यानी कि मछली का गिल का अगर वो फोटो चित्र अगर वो चाहेगा तो उसे वो नहीं मिलेगा, हमारे गिल साहब का फोटो मिलेगा। पहले 6 ओवर जो है खत्म हो चुके हैं और रिद्धमान साहा और गिल ने जो गिल फाड़ परफॉर्मेंस दी है ना, ओए होए खाली चौके और छक्के और कुछ नहीं चल रहा है भैया, आप तो बहुत खुश हो गए हैं। दोनों हम CSK के सपोर्टर हैं पर गिल अच्छा खेल रहा है, अब क्या करें।
वो पापा का फेवरेट प्लेयर धोनी गाइस, धोनी। और यहाँ पर गिल भैया आउट आउट, और पापा ओ या गंजी वाला इंसान। देखो पहले कुछ ओवर्स में कैच बहुत सारे छूटे थे, लेकिन धोनी जो पीछे वो खड़ा है ना बंदा, उसका लास्ट मैच है आज शायद वो। यहाँ पर पहली इनिंग जो है खत्म हो चुकी है, और ये साई सुदर्शन पता नहीं आउट ऑफ द सिलेबस, ये मनुष्य आके आसपास 100 ही मार दिया था, उसका 100 हो नहीं पाया, विकेट हो गया एम्पायरिंग के डिसीजन से। पर मेरे पापा बहुत नाराज हैं, ये 100 नहीं हो पाया उसका, जो राउंड विकेट आया था वो राउंड विकेट से बॉल डाला, एंगल से बॉल जा रहा था लेकिन विकेट को हिट कर रहा था उसमें क्या। अभी तो हमारे टाइम में राउंड विकेट में आउट नहीं होता था, वो लेग बिफोर द विकेट नहीं होता था। हाँ ओके गाइस, आजकल के डिसीजन चेंज, आजकल के रूल्स चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं। खैर 215 का टारगेट है, देखते हैं हमारे पुत्रा लोग कर पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पर सेकंड इनिंग शुरू हो चुकी है। मुझे गायकवाड़ के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट है, कॉनवे का मेरे को पता नहीं, शिवम दुबे का ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट है, रायडू का पता नहीं, ऐसे ही चल रहा है, किसी का पता नहीं किसी का पता है। पर शायद जिसका पता है वो ना चले और जिसका नहीं पता वो चल जाए। देखो अब तो बस थ्योरी ही लगा सकते हैं, 215 जड़ दिए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। मेरी फट रही है भाई, इनकी जितनी नहीं फट रही होगी मेरी फट रही है। मेरा वाला वो येलो वाला टी शर्ट भी नहीं है। मैंने जीटी का कलर क्यों पहना है, नहीं बस छोड़ो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सीएसके का ही पहना, कलर कोई सा भी पहना, मेरा चश्मा का वो कवर है येलो। जा बारिश भाई, खेल लेने दो यार। भगवान इंद्रदेव, इंद्रदेव 00001 आपका कौन सा नंबर है बताओ, मैं कॉल करना चाहता हूँ आपको, क्या हो रहा है अभी बारिश। तो यहाँ पर बच चुके हैं 12:15 और यहाँ पर मैच जो है शुरू हो चुका है फिर से। मैं ऐसा अकेला तो नहीं कि इस टाइम जाग रहा हूँ आज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, करोड़ों लोग हैं। ये फाइनल पता नहीं कब खत्म होगा, 2 दिन से लगे पड़े हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरा तो पूरा सेटअप ही रेडी है, देखो ये देखो, मैं अकेला अभी हमारे घर में मैं जगा हुआ हूँ। कल सुबह 7:30 को फिर मेरा ऑनलाइन क्लास है, समर वेकेशन में भी ऑनलाइन क्लासे हो रहे हैं, हमारे कॉलेज का अलग चलता है। खैर हम लोग अभी मैच आनंद लेते हैं। यहाँ पर 5 बॉल और 13 रन। ओ माय गॉड, मैं ये ऐसा हो रहा है, मैं रो दूंगा यार अगर हारी सीएसके, मतलब मैं नहीं टॉलरेट कर सकता, मैं बंद कर दूंगा भाई। क्या धोनी आउट हो गया, रायडू अच्छा खेल रहा था आउट हो गया भाई, 5 बॉल 13 रन यार, इतना बड़ा टीम है सीएसके, प्लीज कर लो यार प्लीज। 3 बॉल 11 रन, अब नहीं लगता मुझे सीएसके जीतेगी, कोई बात नहीं सह लेंगे। मैं नहीं देख सकता आखिरी बॉल, इतना जोर से चिल्लाया पापा उठ गए। जीत गए पापा, जीत गए। सो जाओ आराम से सो जाओ। इसी के लिए सीएसके को प्यार आता है, बस इसी बात के लिए। 2 बॉल 10 रन, समझ रहे हो कितना प्रेशर सिचुएशन था। अर्ज किया है जो भी करे गंदा कमेंट उसके मुंह में कोहनी, जो भी करे गंदा कमेंट उसके मुंह में कोहनी, अनहोनी को जो होनी कर दे वो है हमारा धोनी। ठोको ठोको भाई ठोको। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, मालकंडे का बॉलिंग देख के माल पिएंगे। ओह माय गॉड।